एवरीवन, आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। बहुत मजे की ऑथेंटिक रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए मैंने 4 कप पानी जो है वो उबालने के लिए रखा है। इसमें उबाल आ गया है और ये हमारे पास कश्मीरी चाय की पत्ती है। ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैंने 1.5 खाने के चमचे लिए है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, खाने का मीठा सोडा जो होता है वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको तेज़ आँच पर पकाएंगे यहाँ तक कि ये 2 कप्स जितनी रह जाए, यानी इसको हमें हाफ रिड्यूस करना है और हम इसको तेज़ आँच पर पकाएंगे। इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसे 5 मिनट हो गए कुक होते हुए और ये रिड्यूस हो गई है। इसमें 2 कप के करीब चाय रह गई है और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। यहाँ पे हमारे पास 2 बड़ी इलायची हैं, ये मैंने क्रश कर लिया है, इसको बारीक नहीं पीसा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सब्ज इलायची है हमारे पास, ये मैंने तकरीबन 7 के करीब ली हैं, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। देखिए आपको इसके सीड्स और जो इसके छिलके हैं वो साबुत नज़र आ रहे होंगे। इसको बारीक नहीं पीसना है, इसको इसी फॉर्म में हमें इसमें ऐड करना है। बादियान का फूल हम इसमें ऐड करेंगे, इसके तकरीबन 6 के करीब इसकी पत्तियाँ हैं। आप इसको 4 to 6 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें ऐड मत कीजिएगा। और अब हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे तेज़ आँच पर। इसको 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए, ये देखें आपको इसका अच्छा सा पिंक कलर नज़र आ रहा होगा। अब हम चूल्हा जो है वो बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसमें 1/2 कप ये मेरे पास आइस वाटर है, ये इसमें ऐड करेंगे। आइस वाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे। 3 कप्स ऑफ मिल्क है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इससे कम और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको स्टॉप कर दूंगी जब मेरा डिज़ायर्ड कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा है इसका पिंक कलर आ रहा है। आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, ये बहुत डार्क पिंक भी नहीं होती है, इसका लाइट कलर होता है। और 3 कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस क्वांटिटी के लिए। ये तकरीबन 5 से 6 कप जो है आपकी कश्मीरी चाय रेडी है। हम इसको दोबारा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और सर्व करेंगे। चाय बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें जो भी चीज़ें हमने इलायची और पत्ती वगैरह शामिल की है वो इसमें से अलग हो जाए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस तरह सर्व करना है। चलें इसको स्ट्रेन करते हैं। कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा गुलाबी कलर आया है इसका, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरे पास नट्स नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, इनको मोटा क्रश कर लिया है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको चाय में ही शामिल कर देते हैं। मैं इसको जब सर्व करती हूँ उस वक्त मैं इसको कप के ऊपर डालती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप अभी भी शामिल कर सकते हैं और सर्व करते वक्त भी शामिल कर सकते हैं। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।